नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल आईसीसी वर्ल्ड कप 2019। भारत और पाकिस्तान का वो ऐतिहासिक मैच जिसके बाद मैच में उबासी लेते नज़र आए पाक कप्तान सरफराज। पाकिस्तान कप्तान की कुछ मोमेंट इस तरह से वायरल हो चुकी है कि पूरी दुनिया उसे देख रही है। भारतीय पारी के दौरान बारिश के चलते मैच रोकना पड़ा था। मैच जब दोबारा शुरू हुआ तो विकेट कीपिंग करते हुए सरफराज अहमद दो बार उबासी लेते नजर आए, जो वहां पर लगे कैमरों में कैद हो गए। आपको बता दें कि भारत ने पाकिस्तान को सातवीं बार रौंद दिया है, जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा है इस वक्त। आईसीसी विश्व कप में 16 जून यानी रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला गया। भारत ने एक तरफा मैच में पाकिस्तान को 89 रन से हराया। इस मैच के दौरान पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद को दो बार उबासी लेते हुए देखा गया, जिसका ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया के ऊपर खूब फुटेज वायरल हो रहे हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर काफ़ी मजाक भी उड़ाया जा रहा है। अचानक बारिश आ जाने से मैच को रोकना पड़ा था। मैच जब दोबारा शुरू किया गया तो विकेट कीपिंग करते हुए सरफराज अहमद दो बार उबासी लेते कैमरों में नजर आए। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर उनकी फ़ोटो इस तरह से वायरल होने लगी कि लोग बार बार उसको शेयर कर रहे हैं और लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग उसे देख रहे हैं। हालांकि लोग काफ़ी मजाक उड़ा रहे हैं, पाकिस्तान टीम की, पाकिस्तान की खुद जनता भी मजाक उड़ा रही है और पाकिस्तानी दर्शक उनके इससे निराशा भरे प्रदर्शन से काफ़ी दुखी भी हैं। आपको इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान के जो दर्शक हैं वो कितने दुखी हैं और मीडिया में बयान दे रहे हैं। एक ने तो यहाँ तक कह डाला कि इनको क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए और इनसे दंगा लड़वाना चाहिए। पाकिस्तान की टीम जहाँ जाती है शिकस्त लेकर के वापस आती है। इसी के साथ आप देख रहे हैं पल पल की एक खास वीडियो। मैं आपको बताऊं, मुझे पता चला कल रात ये लोग बर्गर खाते रहे हैं, कल रात ये लोग पिज्जे खाते रहे हैं, इन्हें क्रिकेट छुड़ाओ तो दंगल लड़वाओ, इनसे को दंगल लड़े। मतलब कोई फिटनेस कोई कुछ नहीं, यहाँ पे हम लोग इनसे इतनी उम्मीदें बना के बैठे हैं, इन्हें बर्गर खुवाओ, इन्हें लैके